हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ में कैसे ड्रग्स को टाइट्रेट करें। एंड हम एग्जांपल लेंगे जहाँ पे पेशेंट जो है अर्ली डायबिटीज़ का पेशेंट है, डाइट से मैनेज किया जा सकता है, टू अ पेशेंट हु हैज़ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू डायबिटीज़, जैसे कि न्यूरोपैथी और वैस्कुलोपैथी है, और पेशेंट जो है उसका शुगर अनकंट्रोल्ड है। पेशेंट को कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो चुके हैं कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस या फिर हाइपरग्लाइसिमिक नॉन कीटो एसिडोटिक कोमा के केसेस हो चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद कि आपके पास में पेशेंट है जिसकी ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर अराउंड 150 आ रही है, और आफ्टर मील शुगर 200 या 250 के आसपास आ रही है। तो हाउ विल यू स्टार्ट विद इट? तो पहली चीज़ है कि पेशेंट की एज क्या है। पेशेंट की एज अगर यंग पेशेंट है तो व्हाट वी कैन रिकमेंड इज़ कि पेशेंट अपने डाइट एक्सरसाइज से इस चीज़ को कंट्रोल करके देखे, 2 या 3 महीने का ट्रायल करके देखे कि आप उसमें पेशेंट में जो रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटीज़ के लिए, फैटी लिवर के लिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए, जैसे स्ट्रेस हो गया, पुअर डाइट हो गई, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गई, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें और एड्रेस करें। तो जो अर्ली डायबिटिक्स हैं उनमें आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एल्डरली पेशेंट्स में भी जो यंग है और एल्डरली है उनमें एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि एल्डरली में हम जो सेफ्टी मार्जिन है वो थोड़ा ज़्यादा रखेंगे कि पेशेंट का जो ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 100 के अराउंड है। एल्डरली मतलब कि सीनियर सिटीजन में ब्लड शुगर का मार्जिन हम 100 के अराउंड रखेंगे, 100 से 110, 20 भी हो सकता है। और उनमें कोई भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स जो है वो देने से पहले हम उनका मतलब अगर हम देते हैं तो किडनी फंक्शन टेस्ट हम टाइमली चेक करते रहे, उनके सोडियम पोटेशियम लेवल्स चेक करते रहे, यूरिया क्रिएटिनिन लेवल्स चेक करते रहे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एल्डरली पेशेंट्स। अब अगर क्या बोलते हैं, ऐसा पेशेंट 3 मंथ्स के बाद में भी उसका शुगर लेवल सेम बना रहता है, तो ऐसे में हमें ये करना है कि पेशेंट को एक अर्ली फर्स्ट लाइन एजेंट जो है, जैसे कि मेटफॉर्मिन हो गया या पायोग्लिटाजोन हो गया, इस टाइप की दवाई हम शुरू कर सकते हैं। अब जैसे मेटफॉर्मिन जो है यंग पेशेंट में हम प्रेफर करेंगे, जो कि ओवरवेट है, दैट विल हेल्प हिम लूज वेट, ऑल्सो फैटी लिवर में भी हेल्प करेगा, और साथ में पेशेंट को जो फास्टिंग एज वेल एज पीपी ब्लड शुगर है उसे भी कम करेगा। वी कैन स्टार्ट विथ 500 mg वंस डेली एंड वी कैन इंक्रीज इट अप टू थ्राइस डेली। तो ये एक मेटफॉर्मिन हो गया। दूसरा पायोग्लिटाजोन वी कैन गिव। पायोग्लिटाजोन इज इन पीपल हु आर अंडर वेट एंड उनमें वी कैन स्टार्ट विथ 15 mg ऑफ पायोग्लिटाजोन या 7.5 mg ऑफ पायोग्लिटाजोन वंस इन अ डे। और दूसरा जो एल्डरली है, एल्डरली में भी वी कैन स्टार्ट विथ पायोग्लिटाजोन अगर उनमें फ्लूड रिटेंशन का इशू नहीं है, और वी कैन ऐड समथिंग लाइक विच लाइक अ माइल्ड डायूरेटिक, जैसे क्लोरथैलिडोन हो गया, हाइड्रोक्लोथाइजाइड हो गया, विच कैन या टेलमिसार्टन हो गया, विच कैन प्रिवेंट द एक्सेसिव फ्लूड ओवरलोड इन दोज पेशेंट्स। इसके साथ में वट वी कैन ऑल्सो डू इज़ कि एक माइल्ड ग्लिप्टिन या फिर कोई सल्फोनाइल यूरिया हम पेशेंट को दें, जैसे कि हम ग्लिमेप्राइड इतनी कम उसमें देना तो सेफ नहीं है, ग्लिप्टिन विल बी सेफर। जैसे टेनली ग्लिप्टिन है 20 mg, यू कैन स्टार्ट विद वंस डेली डोज विद द मेन मील। और पायोग्लिटाजोन के साथ भी ये इशू है सेफ्टी का कि इट कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, सो अर्ली उसमें आइदर यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी लो डोज लाइक 7.5 mg, और यू कैन स्विच टू ग्लिप्टिन्स। अब बात करते हैं वो पेशेंट जो कि जिसका ब्लड शुगर फास्टिंग ब्लड शुगर 150 से 200 के बीच में आ रहा है, और उसका जो पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर है दैट इज़ बिटवीन 200 to 300। तो ऐसे पेशेंट में वी कैन गिव अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लिप्टिन्स और सल्फोनाइल यूरियाज एंड मेटफॉर्मिन और पायोग्लिटाजोन डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स कंडीशन। सो अगर मेरे पास ऐसा पेशेंट आता है एंड मैं प्रेफरेबली पेशेंट्स को देता हूँ
कि मैंने विल्डाग्लिप्टिन मेटफॉर्मिन का 5500 का कॉम्बिनेशन वंस डेली से शुरू करके देखा एंड 15 डेज, 1 वीक, 15 डेज पे चेक करता रहा। 1 मंथ के बाद में इफ़ आई फील द नीड आई कैन मेक इट ट्वाइस डेली। सिमिलरली आई कैन स्टार्ट विद ग्लिमेप्राइड 1 mg प्लस मेटफॉर्मिन, जैसे ग्लाइकोमेट GP1 या ग्लाइसेंस G1 के नाम से आता है, या एमरिल 1 mg और मेटफॉर्मिन 500 mg। तो आई कैन स्टार्ट विद दैट एंड चेक आफ्टर चेक वीकली कि पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल्स क्या है, और फिर आफ्टर 15 डेज और आफ्टर मंथ आई कैन अप टाइट्रेट टू सी कि इफ़ इट इज़ इन गुड कंट्रोल और नॉट। जहाँ पे पेशेंट को मेटफॉर्मिन नहीं टॉलरेट हो रहा है, वहाँ पे वी कैन गिव पायोग्लिटाजोम। ठीक है, अब पेशेंट आ रहा है जो कि जिसका ब्लड शुगर लेवल है फास्टिंग 200 से ऊपर है, 200-250 आ रहा है, एंड ब्लड शुगर जो आफ्टर मील है वो 300+ आ रहा है। सो वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद कि ग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन ट्वाइस डेली शुरू करके देखा, विल्डाग्लिप्टिन मेटफॉर्मिन 5500 ट्वाइस डेली, और या फिर ग्लिमेप्राइड 2 mg एंड मेटफॉर्मिन ट्वाइस डेली, ऐसा चेक करके देखा, और फिर पेशेंट को वीकली टेस्ट चेक करते रहने के लिए बोला। अगर पेशेंट और फ्रीक्वेंटली चेक कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में भी रिकमेंड किया कि व्हाट आर द रीजंस कि उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, उसके बारे में गाइड किया। अब अगर पेशेंट को इसके बाद भी ब्लड शुगर हाई रहता है, जैसे कई पेशेंट्स होते हैं उनका 500 के आसपास ब्लड शुगर आ रहा था, रैंडम ब्लड शुगर आपने चेक किया 500 आ रहा है, तो वी कैन आइदर हम ये कर सकते हैं कि हम विल्ड जो ग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन है वो 2 टाइम दें, उसके साथ में हम सल्फोनाइल यूरिया और मेटफॉर्मिन भी ऐड कर दें। कि विल्डा ग्लिप्टिन मेटफॉर्मिन मॉर्निंग इवनिंग दिया, आफ्टरनून में ग्लिमेप्राइड 2 mg और 1 mg और 500 mg मेटफॉर्मिन ऐड कर दिया। और दूसरा हमने ये किया कि थ्राइस डेली हमने ये ग्लिमेप्राइड और मेटफॉर्मिन दिया एंड आस्क द पेशेंट टू चेक। अगर पेशेंट का ब्लड शुगर फास्टिंग ब्लड शुगर फिर भी रह जाता है तो साथ में पायोग्लिटाजोम ऐड कर दिया। दैट इज़ इफ़ द पेशेंट वांट्स कि मैं इसी टैबलेट्स पे ही रहूं, तब ये है। द अदर थिंग दैट यू कैन डू इज़ इफ़ द पेशेंट इज़ ओवरवेट यंग, तो एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम की पिक्चर है, तो यू कैन ऐड अ DPP-4 इनहिबिटर लाइक सॉरी SGLT2 इनहिबिटर लाइक एम्पाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन, और इसमें जैसे जार्डियांस आता है 10 mg, या डेपाग्लिफ्लोजिन 5 mg और 10 mg की स्ट्रेंथ में आता है। सो यू कैन स्टार्ट दिस वंस इन द मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड चेक द ब्लड शुगर्स। तो यू कैन गो अप टू 25 mg फॉर एम्पाग्लिफ्लोजिन एंड आई थिंक 10 mg डेपाग्लिफ्लोजिन है। तो यू कैन चेक कि पेशेंट का ब्लड शुगर पे क्या असर पड़ता है। अब ये हो गया कि पेशेंट्स का अगर 500 तक ब्लड शुगर जा रहा है, आइडियली अगर 300 से ऊपर है पेशेंट शुड एंड पेशेंट इज़ ऑलरेडी ऑन 2 ड्रग्स विच लोअर इंसुलिन रेजिस्टेंस लाइक मेटफॉर्मिन एंड पायोग्लिटाजोन, देन वी शुड ऐड द पेशेंट ऑन इंसुलिन। सो पेशेंट को ये गाइड करने की ज़रूरत है कि अगर आपने इंसुलिन ऐड किया तो एडेड बेनिफिट्स के साथ में कॉम्प्लिकेशंस राइजिंग ड्यू टू डायबिटीज़ भी डिले होंगे। तो नाउ इट इज़ द राइट टाइम, रादर देन डिपेंडिंग जस्ट ऑन ओरल टैबलेट्स वी शुड स्विच टू इंसुलिन। तो इंसुलिन का जैसे हमें पता है कि वी कैन स्टार्ट विद अ वंस डेली डोज ऑफ बेसल इंसुलिन एंड वी शुड बी केयरफुल कि बेसल इंसुलिन जो है वो फास्टिंग ब्लड शुगर पे एक्ट करेगी। सो जिस पेशेंट का जैसे RBS 500 के अराउंड है, फास्टिंग ब्लड शुगर भी 250-300 के अराउंड है, यू कैन प्रॉब्ली स्टार्ट विद 10 यूनिट्स ऑफ बेसल इंसुलिन ग्लार्गन आफ्टर द मेन मील एंड देन वी कैन ग्रेजुअली अप टाइट्रेट जब तक कि पेशेंट का ब्लड शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं आ जाता। इसमें एक चीज़ सोचने की ये है कि जब पेशेंट का ब्लड शुगर इतना हाई होता है तो लॉट ऑफ शुगर इज गेटिंग लॉस्ट इन द यूरिन। तो इट माइट बी कि
जो अगर वो यूरिन में शुगर लॉस ना हो रहा होता तो पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल और हाई होता, तो इसलिए हमारे को उस समय पे एक क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही होती है कि पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कितना है। इट इज़ द जो हमारे को ब्लड शुगर लेवल्स मिल रहे होते हैं दैट इज़ लोअर देन व्हाट इट एक्चुअली इज़। इसलिए इंसुलिन को अप टाइट्रेट करते 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 धीरे धीरे हम वी कैन रीच दैट पॉइंट जहाँ पे पेशेंट का ब्लड शुगर कंट्रोल में आएगा। सो शुरुआत में हो सकता है कि हमारे को इंसुलिन 10 यूनिट से काफ़ी हाई तक जाना पड़े, 20-25 यूनिट तक भी जाना पड़े, 30 यूनिट तक भी जाना पड़ सकता है। और आई वुड सजेस्ट कि अगर आप रोज़ शुगर चेक कर रहे हैं तो यू कैन इंक्रीज़ योर इंसुलिन बाय 2 to 4 यूनिट्स एवरी डे टू चेक कि अगले दिन का ब्लड शुगर कितना है। एंड जैसे हमें पता है कि 2 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन रिड्यूस ब्लड शुगर लेवल्स बाय अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलीग्राम बाय पर डेसीलीटर। सो एक सिंपल सा प्रिंसिपल है। दूसरी चीज़ यह है कि जब ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल आने लगते हैं तो धीरे धीरे इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो ये बाद में ये भी हो सकता है कि आपको डाउन टाइट्रेट करने की भी ज़रूरत पड़े इंसुलिन को। तो ये दोनों चीज़ों को, शुरुआत में अप टाइट्रेट और बाद में डाउन टाइट्रेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन इजीली मैनेज ब्लड शुगर लेवल्स इन पेशेंट। एंड आई होप दिस वॉज यूजफुल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क। थैंक यू।